की आवाज़ आपकी शान है। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लालचंद सोनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत एक सर्वोच्च स्वच्छता के लिए मोदी जी जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, उसे देखते हुए पूरा भारत जो है इसे स्वच्छता के लिए काफ़ी प्रयास किया है और प्रयास कर भी रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं अयोध्या में और राम मनोहर लोहिया औध विश्वविद्यालय में आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर किस तरह से सफाई है और कहाँ कमी है, कहाँ अच्छाई है, ये भी आपको मैं बताएंगे। स्वच्छता पर्यावरण को लेकर आज सुबह टाइम्स लगातार लोगों को जागरूक करती रही है। स्कूल घर हो या स्कूल हो या किसी भी तरह का प्लेस हो, स्वच्छता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इस स्वच्छता के लिए सभी भारतवासी इस मिशन में जुड़कर भारतवासियों को निरोग बनाएं और अपना स्वस्थ रहें और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। आगे एक रिपोर्ट देखिए। जी हाँ, इस समय मैं राम मनोहर लोहिया औध विश्वविद्यालय में हूँ अयोध्या, जिसे कहा जा सकता है कि सर्वोपरि हमारे कॉलेज का मान सम्मान, देश का मान सम्मान आज कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, आज बढ़ा रहा है बड़े तेज़ी के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी टीम आज सुबह टाइम्स स्वच्छता मिशन और पर्यावरण को लेकर खास नज़र रखती है भारत भर में। वहीं पर मेरी टीम अयोध्या जनपद में पहुंचकर राम मनोहर लोहिया औध विश्वविद्यालय पहुंचकर देखा कि कॉलेज के अंदर सुंदर साफ सफाई देखा गया, पार्कों में देखा गया और ऑफिसों में देखे, और स्वच्छता से लेकर लवलेज भी रहा। और जब सामने रोड पर देखा कि पानी और बहुत सारे जंगली तलपटनी गंदगी पानी बह रहा है, नाला बह रहा है, साइड साइड में कूड़े फेंके जाते हैं, इसे देखकर मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि मेरा विश्वविद्यालय, मेरा घर, मेरा भारत स्वच्छ हो, सुंदर हो, इसके लिए हमारा लगातार मिशन रहा है। और विश्वविद्यालय मेरी जान है, मेरा इसमें देखा जा सकता है कि हम अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी में तो लोग जो है कूड़ा करकट नहीं करते थे, लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक थे या नहीं थे। आज उस रवैये को लेकर हम बात करेंगे, गंदगी ना करें भारतवासी, लेकिन अयोध्या के लोग समझें कि यह विश्वविद्यालय है और सरकार को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। विकास के लिए राम मनोहर लोहिया औध विश्वविद्यालय की सामने में जो गंदे पानी नाले बह रहे हैं, इसे सौंदर्यीकरण कराया जाए, अच्छी तरह से इसे देखा जाए और स्वच्छता के लिए एक अलग जगाने की ज़रूरत है। और आज ज़माना इंटरनेट का है, मॉडल का है, आज हमारी सोच बदली है, हम जो है चांद तारे पे गए हैं। और मुझे आज जिस तरह से देख रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, लोगों को आगे बढ़ने का एक अलग सौभाग्य मिली हुई है, सभी लोग एक धारा से आगे बढ़ें और स्वच्छता। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और इंटरनेट का ज़माना है, तेज़ी से चलने का ज़माना है, स्वच्छता और विश्वविद्यालय के आसपास सामने सौंदर्यीकरण करना बहुत ज़रूरी है। इसे लेते हुए आप हमेशा सतर्क रहें, स्वच्छता मिशन में रहें, पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत गांव की बेटी, मेरी बेटी, मेरे देशवासियों ध्यान से सुनो। देश में पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर हम सब मिलकर खुद प्रदूषण को क्लीन कर सकते हैं और अपनी सामाजिक बुराई को दूर करते हुए बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों महत्वपूर्ण हैं। गांव घर के आसपास बेटियों को सम्मानित कीजिए ताकि भारत की हर एक लड़की भारत की आन बान शान बन सके और विकास की डोर भारत का आगे बढ़ता रहे। और कंधों से कंधा मिलाकर एक कदम क्या हजारों कदम हमारे साथ चले। जय हिंद, जय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।